हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरी वन कैसे हो बच्चा लोग बड़े दिनों बाद काफ़ी दिन से आपसे मिलने की इच्छा थी हेलो गाइस हाउ आर यू कैसे हमारे बच्चे सारे ऑल गुड कैसा लग रहा है सबको सबको मेरी आवाज आ रही है सही से आई एम गुड बेटा प्रथम हाउ आर यू काजल हेलो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गाइस श्रुति गुड आफ्टरनून हाँ बेटा थोड़ा आज बारिश था ना तो आने में थोड़ा लेट भी हो गया और थोड़ा सा टेक्निकलिटी प्रॉब्लम हो जाता है बारिश के दिनों में कोई बात नहीं जैसे ही आए वैसे ही शुरू भी कर दिए थैंक यू बेटा तो बेटा आज का जो सेशन है वो दो दो रीजन से धमाल है पहला ये कि केमिस्ट्री पढ़ रहे केमिस्ट्री पढ़ रहे तो धमाल तो है धमाकेदार तो हो गए बिल्कुल सी बात है सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो धमाल तो होता है दूसरा बेटा अब तक हमने ना ऑर्गेनिक के चैप्टर्स का रिविजन किया ऑर्गेनिक चैप्टर पढ़ा लेकिन आज का जो सेशन है वो सेशन हमारा ऑर्गेनिक नहीं आज का जो सेशन है वो हम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पढ़ने वाले दिस चैप्टर इज अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें सम्स फॉर्मुलाज न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट और इसी के लिए ये जो क्लास चल रही है इसको अपने नाम दिया कंसेप्ट बैच नाउ दिस अ कंसेप्ट बैच गाइज लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी 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 क्लियरली करते क्या है और होना क्या चाहिए बड़ा कंसेप्ट बैच जो आपका चल रहा है जैसे कि सर प्रशांत सर लेक्चर ले रहे बुरान सर का लेक्चर हो गया मेरा हो गया अजय सर का हो जाएगा तो ये लेक्चर्स में ना हम जो पहले करते थे धीरे 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 वैसे नहीं करेंगे क्योंकि हमको आपको पूरी चीज करवा के देनी हर चीज सो द कंसेप्ट बैच विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फो दैट हम वो सेशंस में आपके कंसेप्ट को मजबूत करने वाले हम आपके कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देने वाले हैं और चैप्टर्स में हर चीज का कंसेप्ट आपको प्रिपेयर देने वाले तो ये चैप्टर्स को डिटेल के अंदर जाकर आपको हर माइन्यूट की चीज से हम अच्छे से नॉलेज देने वाले तो रोज सेशन जैसे जैसे प्लान होगा वैसे वैसे लेक्चर में आना है सर कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं क्या क्या पढ़ा रहे बेटा ये आपको आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाला कि मैं जानता हूं कि आप लोगों ने अभी जस्ट यूनिट टेस्ट दिया और चैप्टर वन है तो बहुत से कॉलेजेस के अंदर ये चैप्टर आया भी होगा और ये चैप्टर जब आया होगा तो शायद आपने पढ़ाई किया शायद आपने नहीं किया शायद आपको आता है शायद आपको नहीं आता है वो सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में दौड़ रहे तो वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हम देने वाले आने वाले कुछ महीनों के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन करवा के पूरा का पूरा एक्सप्लेन करवा के पूरा का पूरा हर चीज का नॉलेज आपको दे करेंगे सो आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू बी वेरी वेरी मच प्रेजेंट ऑल आर टीचर्स ऑन दिस चैनल विच आर वेरी मच सपोर्टिव टू यू तो क्या शुरू कर दिया जाए बच्चा लोग इलेवेंथ भी हो जाएगा बेटा टेंशन मत लो जो बच्चे बोल रहे सर इलेवेंथ का ट्वेल्थ का स्टूडेंट्स फिलहाल अपने हमारे बहुत दिनों से सी के टाइम से हमको बोल रहे हैं तो ट्वेल्थ अब उनका बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ चुका है तो लड़स वर्कआउट फॉर देम एंड इलेवेंथ भी बहुत जल्दी प्लान हो जाएगा उसका टेंशन मत लीजिए चलिए ओके यूनिट टेस्ट नहीं हुआ मतलब होगा मत ओके मत okay. आज ओके प्लान वन थर्टी का ही था आने का बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ पर्सनल मेरे प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे कहीं जाना था और उसके लिए प्री प्लान कर दिया गया तो डोंट वरी कल से जो शेड्यूल मिला हुआ है और आज बेसिकली मेजोरिटी स्कूल्स को कॉलेजेस को छुट्टी भी रहा होगा तो आप शायद घर पे ही होंगे और बारिश का मज़ा लेने बाहर तो गए नहीं इसलिए आज पढ़ाई करेंगे घर पे मेरे साथ में तो मस्त मज़ा आ जाएगा सब करोगे ना पक्का तनुजा बेटा आई एम वेरी गुड थैंक यू वेरी मच बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरी वन चलिए सो शाली स्टार्ट गाइस क्या शुरू कर दिया जाए फटाफट जरा थम्सअप बता दो मेरे बच्चों मेरे नए बच्चों मेरे पुराने बच्चों सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वेलकम बैक टू अगेन योर फेवरेट चैनल So, but let us start. The chapter name is Solid State, an important chapter of Physical Chemistry. इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सी बार आपने मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाते हुए देखा लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेटा कि मुझे फिजिकल नहीं आता डरो मत काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक पहुँच जाए पढ़ाना तो टीचर का काम होता है बेटा लेकिन जितना आप मेरे लेक्चर से ज्ञान ले पाओ दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यस डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आस क्वेश्चन इन बिटवीन दैट विल बी मोर इंटरव कुछ बच्चे बोल रहे हैं। सर क्वेश्चन पूछते रहना बिल्कुल बेटा पूछते रहेंगे सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा नहीं मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि आपको कितना हार तो सबसे पहला जो टॉपिक अपना इस चैप्टर का है सॉरी सॉलिड आर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स वाइज सॉलिड दो पार्ट में बटा हुआ जिसके नाम मैंने आपके सामने रख दिए क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस चलो लेट अस अंडरस्टैंड देम विद डिस्टिंग्विश। क्रिस्टलाइन क्या होता है मैं आपको एग्जांपल देता हूं अगर आपको आइडेंटिफाई करना है घर पे क्रिस्टलाइन क्या है एमॉर्फस क्या नमक होता है ना नमक सॉल्ट ले लो भले ही वो बहुत बारीक होगा तो उसको हाथ में लोगे ना हाथ में तो आपको ना ऐसा दाने दाने वाला फीलिंग आएगा चुभने वाला फीलिंग आएगा दैट इज क्रिस्टलाइन अब उसी के साथ दूसरे हाथ में घर पे जो आपके मम्मी या सिस्टर या कभी कभी बच्चों के लिए पाउडर आता है टेलकम पाउडर उसको ले लो बहुत सॉफ्ट होता है बिल्कुल चुभता नहीं।, नहीं तो छुबेगा तो क्या मुंह पे कैसे लगाओगे डर लगेगा तो बेटा वो है जो चुभती है ना हाथों में वो क्रिस्टलाइन होती है और वो चीज जो बिल्कुल सॉफ्ट पाउडर फॉर्म में होती है जो एकदम स्मूथ है वो एमफस होता है तो ये दो चीजें दोनों सॉलिड सॉलिड को पीस करके भूखा करके एक को नमक बनाया गया एक को पाउडर बनाया गया तो सॉलिड कितने पार्ट में बटा मेरा बच्चा दो पार्ट में एक क्रिस्टलाइन हो जाता है दूसरा एम हो जाता है एक क्रिस्टलाइन हो जाता है दूसरा एमआरफस अब दोनों के क्लासिफिकेशन दोनों की अलग अलग कंसेप्ट पे अलग अलग नॉलेज के लिए आपको हम इस चैप्टर में अलग चीजें बताएंगे अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड आंसर जैसे जैसे मैं जाऊंगा वैसे वैसे करवाऊंगा डिस्टिंग बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस दो मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में डिस्टिंग बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सब्सटेंस चलो लेट अस स्टार्ट क्या होता है क्रिस्टलाइन Crystalline substances are those substances in which constituent particles are regularly, periodically, three dimensionally arranged. मतलब क्या कि अगर एक मेरा क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना वो सारे पार्टिकल को एक फिक्स्ड ज्योमेट्री दिया उसके अंदर रेगुलरिटी है कोई भी कहीं पे भी अरेंज नहीं है एक दो एक दो मतलब सिमेट्रिकली, हर किसी को थ्री डायमेंशनली अरेंज किया है एमोरफस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रैंडमली अरेज नॉन रेगुलर पैटर्न जिसको जहां मर्जी पड़ रही है जो जैसे पैटर्न में अरेंज होना है कहीं पे भी अरेंज हो जाएगा तो ऐसा पैटर्न जिसमें रेगुलरिटी दिखती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन ऐसा कुछ जिसके अंदर कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है कोई रेगुलरिटी फिक्स नहीं है रैंडमली कोई भी कहीं पे भी कैसे भी अरेंज है उसको बोलेंगे एमफस दूसरा दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट भी लिखना है तो लिखिए लेकिन से, से तो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट दे हैव रेंजेज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अब इसका मतलब समझते हैं शार्प का मतलब क्या और रेंज का मतलब क्या मेरा बच्चा शार्प मतलब क्या कि मैंने एक क्रिस्टल लिया उसका मेल्टिंग पॉइंट एक ही होता है फिक्स अगर आइज है तो आइज मेल्ट एट सर्टन टेम्परेचर फिक्स सॉल्ट है एन एसीएल मेल्ट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फिक्स रेंज का मतलब क्या कि मैंने उसको रेंज दिया दस से लेकर बीस डिग्री तक सौ से लेकर एक सौ बीस डिग्री तक मतलब आपने पूरा का पूरा बैंड बनाया उसके बीच में वो कभी भी मेल्ट हो जाएगा कोई फिक्स नहीं बताया इसमें क्या कि अगर सौ है तो सौ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है जिसको हम बोलते हैं शार्प शार्प का मतलब उसकी एक ही वैल्यू रेंज का मतलब इससे बीच में यहां से लेकर के यहां तक इसके अंदर का आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो डेफिनाइट टेम्परेचर होता है गाइस इट इज वेरी 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 डेफिनाइट इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर एमोरफस आर ऑल्सो कॉल्ड एस सुपर कूल्ड लिक्विड और सुडो सॉलिड ये दो नाम दिए गए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब लिक्विड जैसा ही है जिसको कूल cool करके सॉलिड बनाया सॉलिड जैसा कुछ है ही नहीं उसमें एक्चुअल के अंदर वो इतना सॉलिड है ही नहीं जितना चाहिए सॉलिड कैसे होते हैं कड़क मजबूत एकदम हाथ लगाओगे तो फील आएगा कि रिजिड रिजिड है है ये ये कैसा होता दीज आर वेरी हार्ड कौन है लिक्विड जैसे लिक्विड जैसे मतलब लिक्विड को जैसे आपने थोड़ा बहुत कड़क कर दिया ना तो वो थोड़ा सा कड़क हो गया इसलिए नाम क्या दिया सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर सुडो सॉलिड सुडो का मतलब फॉल्स गलत गलती से सॉलिड है वो एक्चुअल में वो सॉलिड नेचर बिहेव ही नहीं करता है उसके अंदर सॉलिड जैसा कुछ है ही नहीं तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं, यहां पे कई सारे एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन में आएंगे जैसे कि एन सॉल्ट मैंने बताया और भी कई सारे यहां पे ग्लास हो गया रबर हो गया बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं तो ये हो गया बेटा मेरा दो मार्क का डिस्टिंग बिटवीन सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड सब्सटेंस अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर प्रेजेंटेड ऑन योर स्क्रीन बच्चा लोग इतना सब कुछ समझ में आया तो फटाफट थम्सअप मार दो जल्दी से फास्ट डिड यू ऑल दिस मच गाइज फास्ट थ्री डायमेंशनल क्या है बेटा अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा थ्री क्या होता है जैसे क्यूब है हेक्सागोन है ये सब क्यूबिक फिगर्स होते हैं तो अभी भी कभी भी हम जब सॉलिड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं ना बेटा तो सॉलिड स्ट्रक्चर्स हमेशा उसके थ्री डायमेंशनल के लिए ही फॉलो किए जाते हैं ठीक है एक्सेलेंट बहुत बढ़िया बच्चा लोग अभी इतना सारा थम्स अप इधर दिया तो फिर लाइक भी देने का हाँ क्या चलो देंगे सर हम तो कहा अब जाते दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगेन बोर्ड क्वेश्चन डिफाइन द फॉलोइंग फॉर मार्क मार्क ईच एक का क्वेश्चन पूछते हैं अगर आपने पेपर पैटर्न देखा है हमारे बारहवीं के बच्चों को पैटर्न पेपर भी बता दूंगा मैं बारहवीं के बच्चों को अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऊपर के क्वेश्चन में पहले एमसीक्यू आता है एमसीक्यू के बाद वन लाइन क्वेश्चन आते हैं और वन लाइन क्वेश्चन जो आते हैं ना वन लाइन क्वेश्चन हमको ये सारे डेफिनेशन छोटे छोटे डेफिनेशन छोटे छोटे फॉर्मूला ये सब चीजें आती है तो इसमें आज अपने को ना दो चीज करने का सबसे पहला जो है वो है आइसोम और दूसरा जो है वो है पॉलीमोरफिजम दीज टू डेफिनेशन कैन बी आग फॉर वन ईच इन दी एग्जाम एक मार्क के लिए दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन पूछा जा सकता है कभी कभी दो मार्क के लिए भी पूछ लेते हैं दोनों डेफिनेशन एक एक मार्क का एक अब आइसोमोरफिज्म क्या है पहले वो समझते हैं टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल अरेंजमेंट ऐसे दो सब्सटेंस जिसका क्रिस्टल अरेंजमेंट सेम है एग्जाम्पल अगर मैं ले लू एनएफ एंड एमजीओ एनए कितनी बार एक बार एफ कितनी बार एक तो इसका रेशियो हो गया वन इंस टू वन एमजी कितनी बार एक बार ऑक्सीजन कितनी बार एक बार इसका क्रिस्टल अरेंजमेंट कैसा हो गया One is two one, दोनों भी वन एस टू वन है चलो एक और थ्री एंड सी ए सीओ थ्री सोडियम नाइट्रेट दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट ठीक एन ए कितनी बार एक बार एन कितनी बार एक बार ओ कितनी बार तीन बार अरेंजमेंट क्या हो गया वन इज टू वन इज टू थ्री कैल्शियम कितनी बार एक बार कार्बन कितनी बार मेरा बच्चा एक बार ऑक्सीजन कितनी बार तीन बार तो दोनों का क्रिस्टल अरेंजमेंट सेम है देख दिख रहा है तो ऐसे सब्सटेंस जिसका क्रिस्टल अरेंजमेंट एक दूसरे से मैच करता है इस क्या बोलेंगे बेटा? में, टीचर एक और क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है क्या पूछ सकता है एमसीक्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोम नीचे ऑप्शन दिए चार एन थ्री दिख रहा है इसका क्रिस्टल देखने का वन वन थ्री इससे मैच हो रहा है चेक करने का दूसरा ऑप्शन रहेगा तो भी चल जाएगा पढ़ते आप कुछ हो। पढ़ाई आपने किया। लेकिन सही से राह पे गाइड करने वाला कोई नहीं था आपने क्या किया बुक लिया रट लिया अरे बेटा अगर ये नहीं दिया इसकी जगह पे दूसरा दिया लेकिन उसका वन इज वन टू थ्री अरेजमेंट है तो वो आंसर राइट right है आप क्या सोचोगे सर

कार्बन एक ऑक्सीजन तीन तो यहां पे दूसरा कोई कंपाउंड का क्रिस्टल लेकर के करोगे ना तो भी आंसर आना चाहिए लेकिन टॉपिक का डिफरेंस क्या है वो समझ में आपको इंपॉर्टेंट बेसिक्स से साथ पढ़ना है चल नेक्स्ट जो है वो है बेटा पॉलीमोरफिज्म। ये रब कैसे हो गया पॉली मॉर्फिज्म जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं एलोट्रोप स्टैंडर्ड नाइन्थ घर पे बैठे थे आप शायद मेरे ख्याल पे कोरोना रहा होगा उस समय कोरोना था या पास हो गए थे ना वो भी पता नहीं मुझे आप लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा रहेगा रिलेटेड टू एलोट्रोप पढ़ा था क्या बच्चा लोग जरा भेजो तो ग्रुप में देखू मैं आ रहा है कि नहीं यस और नो आधा नॉर्मल आधा घर पे हाँ बेटा घर पे पढ़ा होगा तो फिर तो बिल्कुल मुझे पता है घर पे हमने कितनी अच्छी पढ़ाई की है वाह वाह ऐसा मुझे लगता है कि घर में तो सबसे अच्छी पढ़ाई हमने ही किया चलो कोई बात बेटा आप लोगों ने ना टॉपिक किया था डायमंड ग्रेफाइट फ्यूलोरिन ये सब कार्बन है डायमंड भी एक कार्बन है ग्रेफाइट भी एक कार्बन है फ्यूलोरिन भी एक कार्बन है तो ये सारे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं मालूम है क्या एलोट्रोप्स बोलते हैं एलोट्रोप्स नाउ एलोट्रोप्स क्या है या फिर पॉलीमॉर्फिज्म क्या आप जान दो बेटा नाइन्थ में जो हुआ सो हुआ ट्वेल्थ को तो अपने को सुधारना है ना अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स या फिर टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ये भी बोलोगे तो चल जाएगा Are called as polymorphism. मतलब क्या, में क्या? की है में देखिए आपने उसका पैटर्न बदल दिया आपने उसका अरेंजमेंट बदल दिया आपने उसको मॉडिफाई कर दिया तो वो एक चीज जो पहले कुछ और थी अभी तीन अलग अलग रूप में दिखाई दे रही है अब कार्बन एग्जाम्पल देता हूं ये एग्जाम्पल होते है नहीं है लेकिन अपने को समझने के लिए कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं छह कार्बन है एक दो तीन चार पाँच छो ये सीधे ये छह कार्बन को ऐसे ले लिया क्लोज हो गया ये छह कार्बन को ऐसे ले लिया ये एग्जाम हो गया मतलब ये तीनों में कार्बन नंबर सेम सब कार्बन से ही बन रहा हाइड्रोजन भले ही बदलेगा लेकिन मेन दिखाने की क्या बात है स्ट्रेट चेन साइक्लिक तो ये सब कंपाउंड में कार्बन सेम है एक ही कार्बन से अलग-अलग जाति के अलग-अलग प्रकार के अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के जब मैं स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूं तो उसको मैं नाम देता हूं इन टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म एलिमेंट रहेगा तो भी चलेगा कंपाउंड रहेगा तो भी चलेगा एलिमेंट में अगर कार्बन को पकड़ते हो तो उसके तीन जो बहुत फेमस क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है डायमंड ग्रफाइट फुलरीन नाम याद रखने का डायमंड ग्राफाइट फुलरिन मुझे डायमंड बहुत पसंद है आप लोग मुझे गिफ्ट कर सकते हो थैंक यू इतना समझा बच्चा लोग कैन वी मूव फॉरवर्ड गाइज और नो प्लीज बी रिप्लाई क्विकली जल्दी जल्दी से बताओ येस और नो ऑर्गेनिक भी करेंगे बेटा डरमत सारे चैप्टर का प्लान किया हुआ है मैंने डोंट वरी नो टेंशन एट ऑल नोट्स मिलेगा यस डेफिनेटली नोट्स मिलेगा ऑल कंसेप्ट क्लियर मस्का टॉपिक अरे डायमंड भेज दिया बच्चे ने क्या बात यस डेफिनेटली गाइस चलिए तो लेट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक अब बेटा अपने को ना स्टैंडर्ड ट्वेल्थ में एमोरफस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अपने को क्रिस्टलाइंस तक ही सीमित है मतलब एमोरफस के बारे में उतना कुछ होता भी नहीं है सो योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड चैप्टर सॉलिड स्टेट डील्स ओनली 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 एंड ओनली विस्टलाइन सॉलिड्स तो अब हम शुरू करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि आप का एमॉर ना पढ़ो उसका मैं शुरू में बोल चुका हूं दो मार्क के लिए आता है वो दो मार्क के लिए अच्छे से पढ़ने का प्रिपेयर करने का अब चलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड पे जिसमें अपने क्लासिफिकेशन पढ़ने जिसमें सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है मेरा बच्चा वो है आयोनिक सॉलिड्स एकदम शॉर्ट के अंदर समझदारी के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं आयोनिक सिंस द नेम ओनली सजेस्ट। इसका जो क्रिस्टल बनाया जाता है और एक अनायन होता है मतलब समझो एक अपना क्रिस्टल है जो बच्चा बोल रहा था ना सर थ्री डायमेंशनल क्या होता है उसके लिए बताता था देखो अगर ये मेरा क्रिस्टल है समझ क्यूब तो ये क्रिस्टल के अंदर कॉर्नर के ऊपर यूजली आइटम्स होते हैं तो एनए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस सी एल माइनस तो ये पूरा का पूरा क्रिस्टल दो चीजों से बना है कटायन प्लस वाला रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कटायन माइनस वाला रहेगा तो हम क्या बोलेंगे अनायन पहला पॉइंट सो द एंटायर क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ आयन गाइस वन इज पॉजिटिवली चार्ज कट वन इज नेगेटिवली चार्ज अनायन एक पॉजिटिव है जिसको कट बोल रहे एक नेगेटिव है जिसको अनायन बोल रहे पहला पॉइंट दूसरा द साइज ऑफ एन आटम द साइज ऑफ एन आयन सॉरी इन अ क्रिस्टल आर नॉट सेम क्रिस्टल के अंदर दो आयन है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव लेकिन दोनों का कटायन दो और अनायन का साइज बिल्कुल सेम नहीं होता यूजुअली अनायन बड़े होते कटायन छोटे होते अनायन बड़े होते कटायन छोटे होते माइनस वाला बड़ा प्लस वाला छोटा माइनस वाला बड़ा प्लस वाला छोटा याद रखना बोलना मत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीसरा आयन है ना तो आयनिक बॉन्ड भी होगा तो दे आर ज्वाइन टूगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड विच इज ड्यू टू द फोर्स कॉल्ड एस्ट इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको जोड़े रखने वाला जो फोर्स है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे एक बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड का नाम क्या है मेरा बच्चा आप आयोनिक बॉन्ड आप लोगों ने आपके इलेवंथ स्टैंडर्ड में टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़े थे जिसमें दो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा था आयोनिक बॉन्ड और क्रिस्टलाइन बॉन्ड

इट हैज मेल्टिंग स्ट्रॉन्ता है जल्दी टूटता नहीं है जल्दी टूटता नहीं है तो एनर्जी ज्यादा लगेगा तोड़ने को जब एनर्जी ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा इसलिए क्या बोला इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट इसी के अंदर आयन क्रिस्टल में लास्ट पॉइंट दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अब इससे एक शॉकिंग चीज पढ़ाता हूं देखो जरा समझाने के लिए डायग्राम लगेगा आपने को अपने पास है ना बेटा एक बीकर है बीकर समझ मेरे पास है ना एक बीकर है उस बीकर में ना मैंने ले लिया नमक सॉल्ट पूरा अखा, ऐसे का ऐसा सॉलिड फॉर्म में नमक इज़ नथिंग बट ठीक है? दो रॉड डाल दिए ग्राफाइट के उसमें और बीच में मैंने ना एक बैटरी लगा दिया साथ में एक बल्ब लगा दिया और मैंने चालू कर दिया अपना एक करंट सप्लाई अच्छा इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इसमें जो पॉजिटिव होता है ना इसको एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको कैथोड बोलते हैं देखा बेटा कंफ्यूज नहीं होने का आयंस के अंदर कटायन पॉजिटिव अनायन नेगेटिव होता है और कैथोड एनोड के अंदर एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव होता है उल्टा उल्टा है कैथोड नेगेटिव लेकिन कटायन पॉजिटिव एनोड पॉजिटिव लेकिन अनायन नेगेटिव उल्टा चलता ही है बच्चा आधा टाइम कंफ्यूज होता है सर कैथोड ये था कटायन ऐसा था ये ऐसा हो गया ये वैसा हो गया इसलिए सीधा लिख दिया ध्यान रखने का कैट कैट उल्टा है कैट कैट उल्टा है कैटायन कैटायन प्लस प्लस कैथोड ने प्लस, कैथोड नेगेटिव नेगेटिव कैट कैट उल्टा है. अब यह करंट चालू किया अब करंट जो मैंने चालू किया ना तो ये बल्ब जला ही नहीं अल्लाह क्या हो गया बल्ब खराब है दूसरा बदलो चेंज करो कुछ नहीं हुआ तीसरा बदलो कुछ नहीं हुआ अरे करंट नहीं जा रहा है बेटा बल्ब अच्छा था अब मैंने क्या किया मालूम है अच्छा इससे क्या मालूम पड़ा कि ये जो है ना एन एस जो अपना क्रिस्टल था आयनिक क्रिस्टल ये पुअर कंडक्टर है ये ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ना इसने ये प्रूव किया कि एन ए सी एल ये पुअर कंडक्टर है मतलब ये करंट को पास होने ही नहीं दे रहा है अब मैंने क्या किया मैंने बोला आप महंगा खर्चा तो किया है इतना बड़ा पैरेटस बनाया नमक भी डाल दिया घरे मम्मी चिल्ला रही नमक ही नहीं नमक खा गया हमारा बच्चा लेकिन हमारा बच्चा तो पढ़ाई कर रहा है साइंस में अब इसने पहले पानी डाल दिया वाटर आई एम एडिंग द वाटर अब जैसे ही मैंने वाटर डाला तो ये NaCl क्या बन गया मालूम है क्या एक्वियस ऑफ NaCl मैंने फिर से करंट को चालू किया अब अपना बल्ब ग्लो हो गया अरे जादू मम्मी ने बोला बच्चा साइंटिस्ट बन गया वो बेटा साइंटिस्ट नहीं बन गया कंसेप्ट बनाया क्या मालूम है क्या बेटा जब तू तेरा एक सॉल्ट लेता है जो कि एक आयनिक कंपाउंड है तो वो खुद पुअर कंडक्टर है क्योंकि उसमें आयन है ही नहीं अच्छा आप बोलोगे सर तो आयन तो है आयन है टूटा नहीं है अरे बेटा इसके अंदर आयन है लेकिन अब तक ये जुड़े हुए जैसे ही पानी डालोगे ये अपने आप को ब्रेक कर लेगा और जैसे ही ब्रेक करेगा वो एन ए प्लस और सीएल माइनस में डिसोसिएट होगा टूट जाएगा और करंट को चालू कर देगा आयन घूमने लगेगा अंदर तो बेटा इसीलिए मैंने जो ये लास्ट पॉइंट पढ़ाया ना ये आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर पुअर कंडक्टर क्यों है कैसे है तो वो अपने आप में जब अकेला होता है अकेला सॉलिड स्टेट के अंदर वो कभी करंट को पास करने नहीं देगा वो उस समय अकेले में इनिशियली अलोद इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बट हाव एवर वेन यू एड वॉटर इन टू दैट या तो उसको मेल्ट कर दो मोल्टन स्टेट में ले लो या तो फिर उसमें पानी मिला दो तो उससे क्या होगा उसके आयन ब्रेक हो जाएंगे जब उसके आयन ब्रेक हो जाएंगे तो अपने को करंट के लिए आयन मिल जाएगा घूम रहे हो तो फिर करंट पास होगा तो आर टू केसेस एक्वियस आयनिक क्रिस्टल्स कैन बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अच्छा इतना गुड हो जाएगा ना कि वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है मतलब वो एकदम अच्छे से करंट पास कर लेकिन नॉर्मल स्टेट में तो वो बिल्कुल करंट को पास होने देता नहीं है चल बेटा इतना समझ में आया सबको आयनिक क्रिस्टल के बारे में अगर आ गया तो फटाफट से जरा हाथ उठा दो दिखाओ जरा थम्स अप थम्सअप अप बहुत टाइम से देखा ही नहीं हो रहा अच्छे लोग से बात नहीं किया कैसा लगा कंसेप्ट समझ में आएगी नहीं फटाफट यस बेटा टेबल सॉल्ट घर पे ट्राई कर सकते हो अब आप बोलोगे सर हमारे पास ये कैथोड एनोड कुछ ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है नेक्स्ट लेक्चर में जब आऊंगा ना तो आपको एक पूरा का पूरा सेटअप बताऊंगा कैसे करने का तो उसके अंदर पूरा हर चीज समझ में आएगा कि एक घर पे बैठे हुए अगर आप हो तो फिर घर पे बैठे हुए भी आप ये बना सकते हो नहीं बेटा इस बार बिल्कुल लेक्चर बन नहीं होगा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को मस्त एग्जाम में मार्क्स ला के दिखाओ मेरे को बस यस बेटा बॉइलिंग इज यूजुअली यूज फॉर लिक्विड इसलिए हम मेल्टिंग पॉइंट यूज़ कर रहे हैं सॉलिड है ना अपना रोज वन थर्टी ये रोज वन थर्टी होप बस आप लोग दुआ करो हमारे टीचर लोग का थोड़ा सा हेल्थ अच्छा रहे थोड़ा आवाज आवाज बैठे नहीं बस बाकी तो क्या है बहुत जल्दी कंप्लीट करके देंगे आपको सिलेबस नो टेंशन एट ऑल चलिए चलो फिर दूसरे टाइप पे चलिए फिर बच्चे बोल रहे सर पढ़ाओ फिर पढ़ा देते हैं बच्चों को नेक्स्ट दूसरा बेटा पहला टाइप मैंने पढ़ा दिया क्रिस्टलाइन, सॉलिड के अंदर अब दूसरा टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही जो है को सॉलिड सिंस आप लोगों को मैंने अभी कुछ समय पहले बताया कि अपने ना दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं एक होता है क्रिस्टलाइन बॉन्ड और एक होता है एमॉरफस बॉन्ड राइट तो यहां पे जैसे वहां पे अपना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस था यहां पे अपने पूरे क्रिस्टल में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज एटम्स यहां पे आयन नहीं होते यहां पे एटम्स होते कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब एटम्स है आप बोलोगे सर आयंस क्या था फिर एन ए अगर ऐसा है तो एटम है है अगर प्लस तो है। फर्क है। जब तक चार्ज नहीं आता तब तक, तक आयन नहीं होता जब चार्ज आता है तो आयन बनता है प्लस चार्ज रहेगा तो कटायन बनता है माइनस रहेगा तो अन्य बनता है ठीक तो है ठीके? तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसके एटम से बने मतलब कोई भी एटम ले सकते हो दूसरा द बॉन्डिंग ट नेटवर्क यहां पे जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट नेटवर्क होगा और कोवेलेंट क्या होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप आयनिक में ट्रांसफर होता है एक दे देता है इलेक्ट्रॉन दूसरा नहीं लेता यहां पे ना कोई देगा ना कोई लेगा यहाँ पे क्या है म्यूचुअल भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं दोनों बांट के काम करेंगे ठीक है चल ये बॉन्ड भी ना मैडम बहुत सा स्ट्रॉन्ग है दिस इज वेरी स्ट्रोंग बॉन्ड और जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही हार्ड नेचर्ड होते मतलब ये जल्दी टूटेंगे नहीं मजबूत है एकदम मजबूत आपके जैसा अब अगर ये स्ट्रांग है चलो अभी मेरा क्वेश्चन आप लोगों ने लगा सर क्वेश्चन आंसर पूछने का अब ये बहुत स्ट्रांग है बॉन्डिंग इनका बहुत स्ट्रांग है मतलब कोई टूटने वाला कंसेप्ट ही नहीं इसके अंदर जल्दी नहीं ब्रेक होता अब ब्रेक करने के लिए अपने वाला उसमें आग लगाना पड़ता है अरे आग लगाना पड़ता है जलाने का नहीं है सब्सटेंस को मेल्ट करना पड़ता है अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन गाइस इसको जब मैं मेल्ट करूंगा इसको जब मैं हीट करूंगा जब मैं इसके अंदर से हीट पास करने वाला हूं ना तो इसके अंदर से हीट जब पास होगा तो क्या इसको एनर्जी ज्यादा लगने वाला है कि कम लगने वाला है फटाफट आंसर करेंगे मेरे बच्चे इसका मेल्टिंग या फिर इसका हीटिंग इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लेगा या कम लेगा मोरलेस स एक्सेलेंट आंसर का इस आप लोग ने बिल्कुल बड़ा भर बोला सिंस इट इज स्ट्रॉगली बॉन्डेड इट नीड्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इंडिकेट दैट इट इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इसके अंदर बहुत 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 ज्यादा चाहिए इस वजह से जैसे आयनिक के अंदर बॉन्डिंग के अंदर अपने को मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा लगा था वैसे कोवेलेंट वाले के अंदर मेल्टिंग पॉइंट के अंदर भी बहुत ज्यादा उसका बॉन्डिंग तोड़ने को एनर्जी लगता है लास्ट दे आर आल्सो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक

वो पूरा खेल कर लाता है इलेक्ट्रॉन चल इसके लिए भी मैं एग्जांपल देता हूं तेरे को समझ मेरे पास ये वाला जब कर देता हूं एक कार्बन है इस कार्बन के लास्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल समझने के लिए आ गया अगर मैंने ये चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। इसने बॉन्ड बना लिया एक दो तीन चार अब इसने बॉन्ड बना लिया तो ये बन गया कुछ ऐसा सी एच फोर इमिथेन अब इस कंपाउंड के अंदर देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना अब तो चारों इलेक्ट्रॉन तो खा गया हमारा कंपाउंड तो जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जब उसके पास कोई चीज ही नहीं है जो करंट को कैरी कर सके करंट बेटा जब करंट होता है ना समझ मैं तेरे को एग्जाम्पल देता हूँ एग्जाम्पल से समझने का जरूर तुम तुम्हारा मोबाइल चार्ज करते हो घर पे बिल्कुल करते हो दिन में मोबाइल का चार्जर घूम जाए तो आधी जिंदगी की जान निकल जाती है अब जब मोबाइल आप चार्ज करते हो तो आपका सॉकेट पॉइंट ऊपर यहां से करंट आ मोबाइल नीचे तो वहां से लेकर के आपके मोबाइल तक आने के लिए एक रास्ता है वायर अब वो वायर के अंदर होता है मेटल अब आप बोलोगे सर कैसे कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना कोई इलेक्ट्रिशन को देखा होगा ना तो ऊपर भले लाल पीला हरा नीला काला कोई भी कलर होना जिसको इंसुलेशन बोलते लेकिन जब वो उसको छीलता है तो अंदर एक तार होता है तार मेटल है वो कॉपर होता है या कोई दूसरा मेटल होता है लेकिन वायर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते है अब वो क्या करते जब करंट वहां से निकलता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल के पास था वो आपके करंट को ले लेकर ले लेकर ले लेकर ले ले आपके मोबाइल तक लाता और इस वजह से अच्छा अब कभी कभी क्या होता मालूम है आपने चार्जर को बहुत यूज किया पूरा का पूरा वायर को रोज ऐसा घुमा घुमा के घुमा घुमा के इधर पटक रहे उधर पटकते अब एक दिन ऐसा हो गया ना आपने लगाया और आपका मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा है बहुत कोशिश किया बहुत कोशिश किया बहुत कोशिश किया आप क्या किया मालूम

तो करंट मिलेगा कैसे तो यही चीज में आपको यहां पर मेरे इस कंसेप्ट में समझा रहा हूं कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो करंट घुमाओगे कैसे आयंस तो लास्ट वाले में पढ़ लिया आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं तो करंट होता है नहीं होते है, तो नहीं होता है यहां पे क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट चला जाएगा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो करंट भेजोगे कहां से इसलिए क्या नाम दिया कंडक्टर लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ले सकते हो आप ग्राफाइट ग्रफाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन पास करने की कैपेसिटी है, है okay, तो बावजूद तो की नोक होती है ना लिड दैट इज नथिंग बट ग्रेफाइट उससे करंट पास हो सकता है समझा मेरा बच्चा चल इतना सबको क्लियर हो गया तो फटाफट हाथ उठा दीजिए जल्दी से हाथ ऊपर फास्ट तो फिर आगे बढ़ जाए हेलो एवरीवन वन अवेरी गुड आफ्टरनून गाइस जो जो बच्चे मुझे गुड आफ्टरनून कर रहे हैं उनके लिए वेरी गुड आफ्टरनून कई साल लगा मेरा सेशन अब तक जरा बता दो जरा बातें कर लेते थोड़ा सा निरंजन मात्रे, थैंक यू बेटा फिज़िकल केमिस्ट्री ही पढ़ाओ सर हाँ बेटा फिजिकल अभी तो लेना ही है ना ऑर्गेनिक तो ख़त्म किया मैंने बढ़िया मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको चलिए आगे बढ़ा जाए चलिए तो फिर निकलते आगे अभी टॉपिक को लेकर तीसरा टाइप तीसरा टाइप है मेरा बच्चा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पहला आयनिक पढ़ा दिया फिर कोवेलेंट पढ़ा दिया अब मॉलिक्यूलर लेते हैं ठीक है चलिए लेते हैं मॉलिक्यूल यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल पहले में आयंस हो गया फिर एटम्स आ गया अब मॉलिक्यूल आ गया मॉलिक्यूल क्या होता है एक से अधिक जब एटम होते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं जैसे हाइड्रोजन अकेला है तो एटम है एच टू है तो मॉलिक्यूल है ठीक है तो यहां आ जाओ अपना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना वो क्या है मेरा बच्चा मॉलिक्यूल्स ठीक है क्या आज सेकंड यहां पर द बॉन्डिंग फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अभी जो इंटरमोलिक्युलर फोर्स है जैसे आयनिक कंपाउंड आयनिक क्रिस्टल जब पढ़ा तो आयनिक क्रिस्टल में हमने क्या पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड होते फिर हमने कोवेलेंट पढ़ा तो कोवेलेंट में हमने क्या पढ़ा कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसके अंदर कई सारे कई सारे कई सारे बॉन्डिंग्स हैं चलिए कौन से कौन से बहुत से हैं कुछ ले लेता लेक्शन दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोन होते और भी कुछ है लेकिन फिलहाल दो भी पढ़ लेंगे तो ठीक है अब डाइपोल डाइपोल है क्या समझ कि मेरे पास एक कंपाउंड है मेरा बच्चा एच दो आइटम मतलब मॉलिक्यूल तो हो गया ये एच के अंदर एच होता है प्लस सीएल <coughs> होता है माइनस अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम भैया पोलार कोवेलेंट पोलार मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए पॉजिटिव है नेगेटिव नाउ जब एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अपने आप को ब्रेक करके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये जो ऊपर आपने साइन बनाया ना ये साइन क्या है इसका मतलब होता है पार्शियल चार्ज कुछ समय के लिए तो जब इनको पार्शियल चार्ज मिलता है अबड़ा ये लॉ है नेचर का दुनिया का दस्तूर है जब एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे के दूर जाता है ना तो उसको खिंचाव आता है अट्रैक्शन आता है जैसे कि आप लोग ने नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़ा रहेगा मैग्नेट का बचपन में खेलते थे एक दूर रख दिया रख दिया करके आपस में जाता था तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाले के बीच में फोर्स आ रहा है जो उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये इंटरमॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे एक दूसरे को जोड़ रहा है ना उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन डाई का मतलब दो पोल का मतलब पोलैरिटी प्लस और माइनस तो डाइपोल आपस में क्या करते हैं एक दूसरे को खींचते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब तीन एटम्स के साथ तीन बेसिकली तीन ही लेने को तीन के साथ जब बॉन्ड बनाता है कौन सा कौन सा तीन या तो ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन या तो नाइट्रोजन अब कौन से कंपाउंड बन सकते हैं ऑक्सीजन के साथ वाटर बन सकता है फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड बन सकता है नाइट्रोजन के साथ अमोनिया बन सकता है अगर यह तीन कंपाउंड बनाता है ना तो इसके अंदर ना नॉर्मल बॉन्ड से कुछ यूनिक बॉन्ड क्रिएट होता है द रीजन इज हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है हाइड्रोजन का नेचर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव का है और ये तीनों भी है ना तीनों बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है नेगेटिव वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन को अच्छे से लेते हैं तो ये लोग होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव और ये होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है इनके बीच के अंदर जब इंटरक्शन आता है इनके बीच के अंदर जब खिंचाव आता है तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब ये जो है ना ये बॉन्ड्स दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड गाइस दे आर कंपेरिटिवली वीक बॉन्ड्स वीक बॉन्ड होते हैं इसके लिए ये लोग इतने हार्ड नहीं होते नॉट वेरी हार्ड अब आपसे मेरा फिर से एक क्वेश्चन गाइस। अगर ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है ये बॉन्डिंग अगर वीक है और ये बॉन्ड ज्यादा अच्छे से अट्रैक्टेड नहीं है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए बच्चा लोग के लो होना चाहिए ज्यादा या कम हाई या लो फटाफट <coughs> क्या बात है गाइज वेरी गुड बच्चा लोग मस्त सिंस दे आर नॉट यूजुअली अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली टू इच अदर दे पोजेस लो मेल्टिंग पॉइंट डिस्टिंग्विश आते हैं बेटा एग्जाम में इसलिए पढ़ना जरूरी है डरना जरूरी नहीं है गाइज पढ़ना जरूरी है डरोगे डर दर के आगे जीते है। पता है ना आपको डरना नहीं है पढ़ना है अब इन लोग भी है ना दे आर ऑल्सो नॉट सो गुड पुअर नहीं बोल सकते ठीक है लेकिन इसका भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतना अच्छा नहीं है नॉट सो गुड तो ये सारे पॉइंट हो गए आपने तीसरे साइड में कौन सा कौन सा टाइप पढ़ा बच्चा लोग हम लोग ने जरा जल्दी से बता दो मेरे को ग्रुप में विच टाइप्स वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ जरा देखो मेरे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है तीन टाइप पहले तो मैंने दो मेन टाइप पढ़ा है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड उसके अंदर मैंने तीन क्लासिफिकेशन अब तक ले लिए कौन से कौन से क्लासिफिकेशन ले लिए गाइस आयोनिक यस वेरी गुड उसके बाद कोवेलेंट यस वेरी गुड तीसरा मॉलिक्यूलर क्या बात है वेरी गुड गाइस वेरी गुड चलिए इतना सब बच्चों को समझ में आ गया है तो जरा अप करो बताओ अस मूव फर्दर देखो जरा बच्चों को आया कि नहीं आया इतना ये करने गया उसके बाद एक और टाइप करने का फिर चारों का डिस्टिंग करवाऊंगा बुक से इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट आंसर आज के सेशन का तो वही रहेगा मेरा चलिए बढ़िया अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक चौथा क्लासिफिकेशन जिसका नाम है मेटालिक सॉलिड आयनिक हो गया कोवेलेंट हो गया मॉलिक्यूलर हो गया अब मेटल पे आते हैं चल मेटालिक सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल मतलब ये मेटल ही बनता है इसको मेटल्स ही बनाया था अभी अच्छे से देखने का एकदम धासु कंसेप्ट है मतलब एकदम मजा आने वाला कंसेप्ट आग लगा देंगे आग तो एक चीज बताओ मैं एक फिलप देता आपको मेटल्स आर इलेक्ट्रो डैश चलो देखते हैं हमारे बच्चों को इसका आंसर आता है कि नहीं आता मेटल्स आर इलेक्ट्रो डैश वॉट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वेरी गुड मस्त बच्चा लोग मुझे तो लगा कुछ बच्चे आंसर देंगे लेकिन बहुत बच्चों ने इसका आंसर दिया और इसका आंसर जो आपने दिया बिल्कुल बढ़िया दिया द आंसर इज पॉजिटिव मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव आर दो सब्सटेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते अब जो मैं बताऊंगा ना वो दम एकदम एकदम दिमाग में डाल देना समझो ये अपना एक मेटल है सोडियम अब ये क्या कर रहा है मालूम है इसका कंफिगुरेशन है टू कॉमा एट कॉमा वन तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन ये उसको नहीं चाहिए बोला मेरे को स्टेबल होने का मेरे को मेरी जिंदगी अच्छे से गुजारने का तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया सबका और ये जो है ना ये इसको बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन नदी दिस इज कॉल्ड एस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है और ये जो है ना ये अब ये सब इलेक्ट्रॉन छोड़ चुके हैं मतलब ये सब प्लस हो जाएंगे दूसरा कलर दिखा दो एन ए प्लस एन ए प्लस एन ए प्लस एन ए प्लस एनए प्लस अब ये कटायन बना जो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स जो उसने छोड़ दिए वो नेगेटिव है तो बेटा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाले भी आपस में एक दूसरे को खींचते हैं मतलब अब ये एक दूसरे को खींचेगा इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ये भी एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेगा और यहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है जिससे अपना एक सॉलिड क्रिस्टल बनता है और उस क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलते हैं मेरा बच्चा मेटालिक सॉलिड देख फिर से पूरी कहानी सुना रहा हूं फिर से एक अच्छी एक्सप्लेन कर रहा हूं सुनने का क्या हो गया मेटल का सोडियम सोडियम मेटल का नेचर है इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब वो क्या चाह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ू मेरे पास एक ज्यादा है क्यों रखू मेरे को स्टेबल होने का ऐसा थोड़ी चलता है मेरे को ऐसे ला छोड़ दिए मैं क्या आगे लेगा तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है चल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल

और ये पूरा का पूरा सॉलिड जो बन गया ना वो सॉलिड को हमने क्या नाम दे दिया मेरा बच्चा मेटालिक सॉलिड नाउ दिस सब्सटेंस ये जो हमने बनाया इनके अंदर की पूरी प्रॉपर्टी मेटल्स की जैसी है जैसे कि दे आर मेलीएबल दे आर डक्टाइल दे आर सोनोरस आमरस नहीं है सोनोरस उसके बाद लस्टर ये सब है इसके बस क्या होता है मेलीएबिलिटी का मतलब उसकी आप शीट बना सकते हो डक्टाइल का मतलब उससे आप वायर्स बना सकते हो सोनोरस मतलब जो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है आवाज आती है जिसके अंदर से लस्टरस मतलब जो शाइनिंग है जो अब मेटल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चलो गाइस मुझे बताओ जरा आपने अपने फटाफट चैट बॉक्स में कि मेटल्स जो है ना मेटल्स मेटल गुड कंडक्टर होते हैं मेरा बच्चा के बैड कंडक्टर होता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर गाइस वेरी गुड मेटल्स आर गुड कंडक्टर तो इसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी अच्छा देख बेटा मैंने तेरे को एक सेशन में आगे के टाइम पे आगे जो पढ़ा है ना उसमें बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोवेल के पास नहीं थे इसलिए वो पुअर था इधर तो पूरी नदी बना दिया मैंने इलेक्ट्रॉन की यहां से अगर चार्ज आएगा करंट आएगा और यहां से करंट निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन करंट को लेते हुए लेते हुए लेते हुए लेते हुए बाहर निकलेगा तो इधर समझ तेरा चार्जिंग का पॉइंट है इधर तेरा मोबाइल है तो यहां से तूने करंट भी चालू किया बीच में वायर था तो वायर से करंट पास होते 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 तेरे मोबाइल तक आ गए तो इस तरह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज कैरी कर सकता है नहीं होगा तो नहीं कर सकता इसके पास है देर फॉर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज दिस मच क्लियर टू गाई एवरी वन ऑफ यू गाइस क्या इतना आप सब बच्चों को समझ में आ गया है तो फटाफट जरा हाथ ऊपर करिए जल्दी से बताइए क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं मस्का टॉपिक एकदम चिंदे टॉपिक थैंक यू बेटा थैंक यू फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन गाइज जिन बच्चों ने अप्रिसिएशन भेजा है जिन बच्चों ने इतना लव दिखाया है थैंक यू वेरी मच मजा आ गया सबको तो चलिए अब टेक्स्ट बुक पे आते हैं आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक तो होगा तो सब लोग टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए बेटा फिजिकल केमिस्ट्री है देखिए पूरा सेक्शन फिजिकल है क्रिस्टल्स पढ़ लिया हमने डिस्टिंग्विश तो ये सब चीज अपने को पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में आता है ठीक है चैप्टर सॉलिड स्टेट चालू किया हमने ये सब चीज तो मैं कवर अप करा चुका हूं मेरा टेक्स्ट बुक निकालने का मेन मोटिव है दिस टेबल आई एम गिविंग यू फाइव मिनट्स गाइस ये टेबल है पूरा का पूरा आयोनिक कोवेलेंट मॉलिक्यूलर मेटालिक ये पूरे प्रॉपर्टीज के साथ टेबल दिया है इसको एट अ ग्लान्स आप देख सकते हो आई एम गिविंग यू फाइव मिनट्स गाइस टू गो थ्रू दिस एंटायर टेबल अंडरस्टैंड रियलाइज कि आपको समझा नहीं समझा आया नहीं आया कितना आया कितना कर सकते हो क्या हाई सॉलिड क्या मेल्टिंग पॉइंट हाई है हार्डनेस कैसा है पार्टिकल में फोर्स कैसा है ये सब चीज इधर दिया हुआ तो ये पढ़ लिया मतलब सारे पॉइंट आपने कवर कर लिए तो काइंडली गो थ्रू इट फॉर दर फाइव मिनट्स टिल द टाइम आई ऑल्सो ड्रिंक वॉटर उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है उसके बाद में चैप्टर को वाइंड लेक्चर को वाइंड अप करूंगा ठीक है गाइज फट आप फट और जैसे ही समझ में आ जाएगा गाइस जल्दी से जरा थम्सअप मार दो देखो बेटा लास्ट का जो पांचवा पॉइंट है ना पांचवा पॉइंट थर्मल कंडक्टिविटी आयनिक सॉलिड का उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि नॉर्मल सॉलिड स्टेट के अंदर वो लोग कंडक्टर पुअर है लेकिन अगर डिजोल्व वॉटर में किया या फिर उसको हीट किया मेल्टेड फॉर्म में किया तो वो लोग गुड कंडक्टर बन जाते हैं। हमने वो डायग्राम से एक्सप्लेनेशन लिया था याद आ रहा हो अगर आपको तो वो बल्ब वाला सिमिलरली सेकेंड वाला कोवेलेंट के अंदर भी मैंने बताया था कि फ्री ग्रफाइट इलेक्ट्रॉन ग्रफाइट मिल जाता है तो जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे हमारे पास तो वो क्या बन जाएगा गुड कंडक्टर तो यूजुअल नेचर उसका पुअर है लेकिन ग्रेफाइट बिकम्स गुड कंडक्टर तो अगर टीचर ने एग्जाम में रिजन दे दिया समझो फॉर एग्जांपल कि वाई कोवेलेंट सॉलिड ग्रेफाइट इज अटिल अड कंडक्टर तो लिखने का सिंस ग्रेफाइट है फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स कंपाउंडेड फॉर्म देअ फॉर इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बस इतना भी एक्सप्लेन कर दिया एक मार्क्स के लिए तो अपने को आंसर क्या मार्क्स मिल जाता एग्जाम्पल्स छ पॉइंट है बेटा छ पॉइंट आज ऊपर डिस्टिंग्विश जो पढ़ा है मैंने उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया के डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस आपको पढ़ना रहेगा ये चारों को साथ में जोड़ा हुआ डिस्टिंग्विश है आयनिक सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड मॉलिकुलर सॉलिड मेटालिक सॉलिड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो अपने को समझ के जो अपने को अच्छे से करना है चलिए तो क्या आगे बढ़ा जाएगा इस शाल वी मूव फर्दर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे सेशन करते बाकी फिर कल देखेंगे चल अब बेटा पढ़ा कि मैंने शुरू में आपको बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उसमें थ्री डायमेंशनल सेल्स होते हैं उसके टॉपिक में डायमेंशंस थ्री डायमेंशनल होते हैं तो उसका मतलब क्या है? चल ये देख जो क्रिस्टल होता ना पूरा इस पूरे क्रिस्टल को एक नाम दिया जाता है स्पेस लटाइस या फिर लटाइस क्रिस्टल क्या है कैसे वो समझेंगे बाद में चल ये देखिए फिलहाल ये ये अपना एक क्रिस्टल का सेल है इस सेल को बोलते हैं यूनिट सेल ऐसे कई सारे यूनिट सेल जब जुड़ते हैं ना तो एक बड़ा सा नेटवर्क बनता है जिससे अपना का पूरा क्रिस्टल क्रिएट होता है मतलब समझिए कि पूरा पूरा एक ये पूरा अपना एक डब्बा है है अपना सॉलिड सॉलिड इस में छोटे छोटे यूनिट सेल्स और ये छोटे छोटे यूनिट सेल जो मैं बना रहा हूं ना ये हर यूनिट सेल एक क्यूबिक फॉर्म में अगर मैं क्यूब पढ़ रहा हूं तो ऐसा तो ये क्यूब अगर मैं पढ़ रहा हूं ना गाइस तो अपने पास ना ये तीन लेंथ है ए बी सी जिसको हम बोलते हैं एज लेंथ, ए बी सी अब द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज अल्फा द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज गैमा एंगल बिटवीन ए एंड सी इज बीटा देर आर थ्री एंगल्स ए बी के बीच में बनाया हुआ जो एंगल है ए सी के बीच में वो बीटा बीसी के बीच में अल्फा और ए बी के बीच में गैमा ये डायग्राम अपने को एग्जाम में आता तो नहीं लेकिन पता होना जरूरी है अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है गाइस ये एंगल हमने बनाए तीन अगर मैं इस एंगल का डिग्री चेंज कर दूं फॉर एग्जांपल समझो ये अभी नाइन्टी पे ये भी नाइनटीप पे और ये भी नाइनटीप पे तो मैं इसकी नाइनटी डिग्री को चेंज करके मैं अगर इसको वन ट्वेंटी कर दू या वन सिक्सटी कर दू या वन एटी कर दू या कुछ भी कर दू तो क्या मेरा डायग्राम सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा विल द रिमेन्स द सेम और डायमेंशन चेंजेस नो हा या ना सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा डेफिनेटली गाइज इट विल चेंज बेटा कैसा सेम रहेगा अगर एंगल बदल रहे हो तो ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ये नाइनटी है है बिल्कुल लेकिन अगर चेंज करोगे तो अंदर की तरफ भी आ सकता है एक्यूट भी भी बन सकता है, भी बन सकता सकता है तो this, है पढ़ा ना मैथ्स आपने तो बेस्ड ऑन दिस एक साइंटिस्ट है जब आप चीजों को बदलते हो तो कुछ ऐसे बन जाते हैं ये देखो दिख रहा है क्या ये नॉर्मल नाइनटी वाले ये चेंज, ये चेंज हो गया ये चेंज हो गया ये चेंज हो गया ये चेंज हो गया तो ये अलग अलग क्यूब्स बन गए तो ड्यू टू दिस व्हेन द एंगल ऑफ रोटेशन बिटवीन देम चेंजेस इट रिजल्ट्स आउट इनटू 14 डिफरेंट लटाइस लटाइस का मतलब होता है क्रिस्टल 14 अलग अलग कलर के क्रिस्टल बनते जिसके बारे में बात नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला तो फिलहाल जो आज पढ़ाया वो ये था यूनिट्स इफ दिस इज अ क्यूब दिस आर द एंगल्स इफ दिस एंगल चेंजेस रिजल्ट इंटू अम न्यू फॉर्म क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में बता तो सबको इतना समझ गया मेरा बच्चा इज दिस मच क्लियर टू माई ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट ओवर योर ये और नो पक्का श्योर हंड्रेड परसेंट मस्का क्लियर लेक्चर कैसा था अच्छा था मजा आया सबको लाइफस्टाइल गेमिंग एक लेक्चर में पूरा चैप्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है तू बोल रहा है ना वो भी आएगा जब हम मैराथन सेमी मैराथन महा मैराथन सब लेंगे तो ये सब चीज लेकिन अभी कैसा ना बेटा मुझे पता है फिलहाल आप लोग थोड़े डरे हुए हो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि सर डिफिकल्ट जा रहा है इसके लिए थोड़ा सा चार चार लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम चैप्टर को वाइंड अप करेंगे ठीक है तो चलिए गाइस आज के सेशन को वाइंड अप करते आई होप सबको बहुत मजा आया सबने अच्छे से पढ़ाई किया अब तक आपने सर का ऑर्गेनिक रूप देखा आप फिजिकल देखते कई साल लगेगा बताओ जरा ग्रुप मैसेज के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर बाद में लाइक करना भूलना मत ठीक है कल मिलता हो बेटा कल वन थर्टी होपफुली ऑल द बेस्ट डोंट 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 हेजिटेट पढ़ाई करोगे अच्छा सब हो जाएगा अभी डरे हुए हो लेकिन डर के आगे तो जीते सर का डायलॉग है पता है ना चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस बाय एवरीवन टेक केयर हैव अ गुड डे स्टडी वेल